हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देसी किचन में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं काजू कतली, जो बिल्कुल आसानी से बनती है। तो देखिए फ्रेंड, जिसके लिए हमने एक टावल लिया है, जो इनमें काजू में हल्का सा भी हल्की सी भी डस्टिंग होगी तो वो हम इस तौली से इस तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, ये हमें बिल्कुल अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर लेने हैं। इस तरीके से हमने साफ़ कर लिया। और अब ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें इस तरीके से हम इनको भर लेंगे। हमें ये आधा आधा ही लेने हैं, दो बार में हमें इनको पीस कर तैयार करना है फ्रेंड। तो देखिए, ये हमने मिक्सी के जार को बिल्कुल बंद कर लिया है और अब हम इसको पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इन काजू को हमें ना बीच बीच में रोक रोक कर पीसना है, एकदम डायरेक्ट नहीं पीसना, लगातार नहीं पीसना। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको रोक रोक कर पीसेंगे फ्रेंड, बीच बीच में रोकते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा काजू पीस कर तैयार हो गए हैं। और अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा बाउल और एक छन्नी। तो इस तरीके से हम ये सारा जितना भी है, हमने काजू पीस कर तैयार किए हैं, सबको निकाल लेंगे छन्नी में। और इस तरीके से हाथों से इनको अच्छे से मसलते हुए हमें छान लेना है। जो इसका बारीक जितना पार्ट होगा काजू का, वो सब छन जाएगा और जो मोटा मोटा पीस रहेगा वो इस तरीके से छन्नी में रह जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने पूरे काजू को छान कर तैयार कर लिए हैं पीस कर। तो देखिए फ्रेंड, काजू हमारा बिल्कुल पीस कर बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर में पीस कर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए अब हम लेंगे कढ़ाई। चीनी लिया हमने एक कटोरी। 1 ग्राम में कम से कम 150 ग्राम चीनी है फ्रेंड। अगर हमने 150 ग्राम चीनी ली है तो इसमें हम 75 ग्राम के लगभग डालेंगे पानी। सिर्फ हमें चीनी के आधा पानी डालना है, जितनी हमारी चीनी है उसका आधा पानी कर लेंगे। और अब हमें इसे चलाते हुए एक तार की चाशनी तैयार करनी है। इस तरीके से इसको उबाल आने तक हमें पका लेनी है चाशनी को। तो देखिए फ्रेंड, चाशनी में हमारे हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। और जब तक हम एक थाली ले लेंगे, इस तरीके की थाली ले लेनी है और उस पर घी डालकर अच्छे से चारों तरफ से उल्टी करके हमें थाली पे घी लगा लेना है। अगर आपके पास बड़ा सा चकला है तो आप उस पर भी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, उस पर मैंने घी लगा लिया और अब हम चाशनी को चेक करते रहेंगे, बीच बीच में हमें चेक कर लेना है। इस टाइम पे आकर फ्रेंड, हमें चाशनी का बिल्कुल ध्यान रखना है, ज़्यादा हमें बिल्कुल भी ये गाढ़ी नहीं कर लेनी। ये हमें सिर्फ हमें एक तार की चाशनी रखनी है और इस तरीके से इस चेक करते रहेंगे। इससे हमें पता चल जाता है, जो हमारी लास्ट की ड्रॉप होती है वो अगर तार बन के डलती है तो समझ लेना कि चाशनी बनकर तैयार होगी। अभी चाशनी नहीं बनी है फ्रेंड, अभी हमें और पकानी है। तो देखिए फ्रेंड, चाशनी इस टाइम हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए, ये लास्ट की जैसे ये रोक जा रही हैं, ये तार बनकर गिर रही हैं। तो देखिए, अब हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, इसमें तार बिल्कुल बढ़िया एकदम बन चुका है। और हम गैस को कर देंगे इस टाइम ऑफ। इस तरीके की चाशनी तैयार करने के बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है और उस चाशनी को हमें चलाते रहना है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो काजू का हमने पाउडर बनाया है, ये डालकर इसको मिलाते रहेंगे फ्रेंड। ये देखना है हमें, लगातार एकदम सारा पाउडर नहीं डालना। अगर थोड़ा बहुत बचता हो तो आप उसको बचा भी सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे 250 ग्राम काजू है। 250 ग्राम काजू में हमने 150 ग्राम चीनी ली है। तो देखिए, ये पूरा काजू का पाउडर हमने डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। और हमें ये देखिए, हमने गैस को इस टाइम बिल्कुल बंद कर रखा है, गैस हमें बिल्कुल नहीं चलानी है।
और इस तरीके से इसको चलाते हुए जब तक चलाना है जब तक ये बिल्कुल इकट्ठा ना होना शुरू हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, वो हमारा जो काजू का बैटर है वो बिल्कुल इकट्ठा हो गया, और अब हम इसको इस तरीके से जो हमने थाली घी पर घी लगाया हुआ है उसमें इस तरीके से निकाल देंगे पूरे बैटर को। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने निकाल लिया है, और अब हम इसे करछी की सहायता से इसको इस तरीके से हमें फैला लेना है, इसको बिल्कुल फैला लेना है हमें, बिल्कुल ये पतला फैलाना है। आप चाहे तो हल्का सा मोटा भी रख सकते हो, अपने हिसाब से फैलाइए फ्रेंड। ये काजू कतली का पेस्ट मैं पतला ही फैलाएंगे। इस तरीके से हम कटोरी की तली पर घी लगा लेंगे और इस तरीके से इसको दबाते हुए हमें फैला लेना है चारों साइड से बिल्कुल इकसार करते हुए। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी जो थाली है इस पर पूरी थाली पर आ जाएगा ये। आप चाहे तो जो हमारे जो पॉलोथीन होती है आप उस पर बेलन से भी इसको बेल सकते हो इस टाइम आके। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने पूरी थाली पे बिल्कुल फैला लिया है, और इसे 5 से 6 मिनट के लिए हमें सिर्फ सेट करना है। ज़्यादा इसको सेट करने के लिए बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है फ्रेंड मिठाई। देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया, और अब हम लगाएंगे इस पर चांदी का वर्क। इस तरीके से अच्छे से चांदी का वर्क लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी मिठाई सेट हो गई है इस टाइम, और अब हम इसको काजू की शेप में काट लेंगे। इस तरीके से पीस आप अपने हिसाब से काटिए फ्रेंड, जिस तरीके से आपको छोटे बड़े पीस जितने भी लेने हैं आप उसी हिसाब से पीस बनाइए। तो देखिए फ्रेंड, एक साइड से मैंने काट कर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से अब हम दूसरे साइड से काटेंगे। इन्हें हल्का सा तिरछा करके काटना है ताकि इसकी शेप जैसी हमारी मार्केट से काजू कतली मिलती है उस तरीके की इसकी शेप कटे। तो देखिए कुछ इस तरीके से करके काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने थोड़ा तिरछा करके काटा है, तो इसमें बिल्कुल मार्केट के जैसी शेप आएगी, और ये बिल्कुल खाने में भी एकदम काजू कतली मार्केट के जैसी लग रही है, जो हमें मार्केट से 1000 रुपये किलो में मिलती हैं। ये हमारी 200 सवा 200 में बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड, ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही है प्लेट में से। तो आप देखिए एक बार फ्रेंड काजू कतली इस तरीके से बनाकर देखिए, ये बिल्कुल खाने में भी बहुत टेस्टी टेस्टी होती है, और ये हेल्दी भी होती है। ये हमने बिल्कुल ये दो ही चीज़ों से बनी है, काजू से और चीनी से। तो देखिए फ्रेंड, हमारी काजू कतली एकदम बनकर तैयार हो गई है। और अगर हमारी ये मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नहीं लगी तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। और फ्रेंड, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अब हम आपको देखिए तोड़कर दिखा रहे हैं, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड। इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए।